हेलो, वेलकम इन ए के स्टडी 1024। मैं हूँ अरुण कुमार यादव और ये है एक्सरसाइज 13.1 क्लास 8 का क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि एक लोडेड ट्रक है जो कि ट्रेवल करता है 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। ठीक है, 14 किलोमीटर टाइम कितना लगा? 25 मिनट्स का। हमें बताना है कि अगर इसकी स्पीड कॉन्स्टेंट रहे, सेम रहे, कोई चेंज नहीं होता है इसकी स्पीड में, तो ये कितनी दूर जाएगा, ठीक है, इन 5 आवर्स। ठीक है, मतलब 5 आवर्स में इसका जो डिस्टेंस कवर्ड है वो कितना होगा। अब देखिए, यहाँ पर जो टाइम था वो था मिनट में, यहाँ पर जो टाइम है वो है आवर्स में, तो हमको इन दोनों को एक में चेंज करना होगा। या तो ये आवर्स में है तो इसको भी आवर्स में बदल लें हम, या फिर ये अगर मिनट में है तो इसको भी हम मिनट में बदल लें। देखिए, आवर्स से मिनट में बदलना आसान होता है क्योंकि 1 आवर में कितना होता है? 60 मिनट। तो 5 आवर में कितना हो जाएगा? 5 × 60 यानी कि 300 मिनट्स। ठीक है, तो ये कितनी दूर जाएगा हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया एक्स, और टाइम कितना था? 5 आवर्स, जो कि मिनट में कन्वर्ट करने के बाद आया 300 मिनट्स। ठीक है, तो इसकी हमें लिख दिया 300। अब देखिए, आप जितने ज़्यादा टाइम चलोगे उतना ही ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हो, ठीक है, और जितना कम टाइम आप चलोगे, अगर आपकी स्पीड जो है वो सेम है, तो जितना आप कम टाइम चलोगे उतना ही कम डिस्टेंस कवर करोगे। मतलब जो डिस्टेंस है और टाइम है वो कैसे हैं? वो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। जब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो हम लिख सकते हैं कि जो इनका रेशियो आएगा वो बराबर आएगा, यानी 14/25 आएगा x/300 के। तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो x के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा 25, ठीक है, बराबर 14 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा 300। तो यहाँ से अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, x को यहीं पे रहने दो। ये हो गया 14 × 300 / कितना आ जाएगा? 25। ये 25 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, यहाँ से आप 25 के टेबल में सीधा सीधा ये आता है, तो आप इसे काट सकते हैं। 25 × 25, 25 × 25, 30 में से 25 कैंसिल हो गया, कितना बचा होगा? 5। ठीक है, क्योंकि 30 में से 25 कैंसिल हुआ है तो 5 बचेगा। 5 के आगे 1 0, 50 हो गया, और 25 × 2 = 50 होता है। तो यहाँ बच गया 14 × में यहाँ बच गया 12 = आ गया x। ठीक है, बस अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो 12 × 4 = 48। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा? 8। कैरी कितना होगा? 4। फिर 12 × 12, और जो 4 था कैरी वो आप जोड़ोगे 12 में, हो जाएगा 16। ठीक है, तो ये हो गया 168 = x। लेकिन इसकी यूनिट क्या है? देखिए, इसकी यूनिट क्या है? किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि एक्स जो था वो डिस्टेंस था, और डिस्टेंस की यूनिट हमने क्या ले रखी है? किलोमीटर। तो जो ये 168 आया है ये क्या होगा? किलोमीटर में। यानी कि 5 आवर्स बोलो या 300 मिनट्स बोलो, उसमें जो डिस्टेंस होगा वो होगा 168 किलोमीटर्स का। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ये क्वेश्चन समझ में आया है, तो इसको लाइक ज़रूर करें, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड इस वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।